जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, मैं निशांत कुमार साहब सभी गणित पाठकों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। दोस्तों, आज हम लोग सीआईई सेट पे बहुत ही तगड़ा सेट डिस्कस करने वाले, पूरा फोकस अपना यहां पे रखेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से, और हर एक सवाल में एक छोटा सा समय का केंद्र भी दिया जाएगा, मतलब आपको टाइमिंग भी दिया जाएगा, समय सीमा भी दी जाएगी। उस समय के अंदर आपको जल्दी से सवाल को क्या कर लेना है मेरे भाई, सॉल्व कर लेना है। अरे भाई, टूल पे आ जाओ, एक सेकेंड। चल भाई, 20 सेकंड का मौका, पहला सवाल 20 सेकंड का मौका, देखते हैं सबसे पहले सवाल कौन कर लेता है। एक खिड़की अपने सॉरी एक खिलाड़ी, खिड़की है भाई, इसमें खिड़की पढ़ लिया, खिलाड़ी नाम था, खिड़की पढ़ लिया, सॉरी भाई, लिखा हुआ है। एक खिलाड़ी अपने खेल का 11वीं पाली में शतक लगाता है, जिसमें उसमें पालियों के रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। 11वीं पाली के पश्चात उसके रनों का औसत क्या होगा? देखिए, उसको बनाने का बहुत सारा तरीका, सबसे नॉर्मल तरीका, देखिए 10 पाली का एवरेज क्या रहा होगा पता नहीं, हम मान लेते हैं 10 पाली का एवरेज एक्स रहा होगा, ठीक है। जैसे ही हमने 10 में क्या कर दिया, 11वीं पाली को इंक्लूड कर दिया, हमारा एवरेज क्या हो गया, हमारा एवरेज जो है वो 5 से बढ़ गया, यानी हो जाएगा एक्स प्लस 5 से। आप कहोगे ये भी ठीक है, अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है कि हमारा क्या लिख रखा है मेरे भाई, आपसे क्या पूछा गया, आपसे ये पूछा गया है कि भाई 11वीं पाली के पश्चात औसत क्या होगा, यानी आपको ये वाला 11वीं पाली के बाद पश्चात औसत पूछा, यानी x प्लस 5 की वैल्यू पूछी है। बनाएंगे देखो, तो आप इसको नॉर्मल तरीके से बनाना चाहेंगे तो ऐसे बनाएंगे, देखिए एकदम बेसिक से अगर आप बनाना चाहेंगे, बेसिक क्या कहता है, ये कहता है कि 10 नंबर का एवरेज एक्स है, तो 10ों का योग हो जाएगा 10 गुणा एक्स। आपको कह रहे वाह क्या बात है, और 10 और 11, 11 नंबर का एवरेज x प्लस 5 है, 11 नंबर का एवरेज x प्लस 5 है, तो सभी का योग हो जाएगा 11 गुणा x प्लस 5। आप कहोगे हाँ क्या बात है, अब इन दोनों को डिफरेंस लोगे, इन दोनों को घटाओगे, और घटाने के बाद क्या आना चाहिए, घटाने के बाद 11वीं पाली का स्कोर आना चाहिए, और वो 11वीं पाली का स्कोर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि सवाल ने कहा है 11वीं पाली का स्कोर क्या आपका 100 है। देखो ये 11 पाली का योग, ये 10 पाली का योग, जब मैं दोनों को घटाऊंगा तो 11वीं पाली में बनाया गया रन आएगा, और 11वीं पाली में बनाया गया रन जो है वो किसके बराबर है, वो 100 के बराबर है। तो बट ऑब्वियस ही बात है, यहां 100 का मान निकालते हुए x की वैल्यू निकाल के काम करेंगे, नो डाउट प्रश्न का उत्तर आएगा। अगर आप मेरी बातों को नहीं भी मानेंगे तब भी उत्तर आएगा मेरे भाई, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x प्लस क्या मेरे भाई 55, और माइनस क्या हो जाएगा 10x, बराबर क्या होगा मेरे भाई, बराबर हो जाएगा 100 के। 11x में से 10x गया x, ये 55 उधर चला गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 45 हो जाएगी। जी हाँ, x का मान क्या आ गया, x का मान आपका 45 आ जाएगा इजीली। देखो ना, 11x में से 10x गया x बचा, और 100 में से 55 गया क्या हो जाएगा, 100 में से 55 जाएगा आपका 45 बचेगा, तो ये जो 45 हुआ ना वो x का मान आया। हम बात करेंगे अभी, हम आपको x का मान दूसरे तरीके से भी निकाल के बताते हैं कैसे। आपको अच्छे से पता होगा कि मैं एक टेक्निक हमेशा इस्तेमाल करता हूं, यहां इनिंग कितने से बढ़ा, यहां नंबर 1 से बढ़ा, और यहां एवरेज कितने से बढ़ा, एवरेज 5 से बढ़ा, इस 1 की गुणा यहां और इस 5 की गुणा यहां, 1 की गुणा x प्लस 5 में ये सीधे x प्लस 5 लाएगा, 5 की गुणा 10 में ये सीधे 50 लाएगा, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है जो नया एड हुआ उसके बराबर होता है। यहां नया 11वां इनिंग ऐड हुआ है, यानी ये जो है वो 11th इनिंग के बराबर है, और अगर ये 11th इनिंग के बराबर है तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थी कि ये जो रन होगा वो 11वीं पाली में खेले गए रन के बराबर हो जाएगा, यानी यहां जो हमारा रन होगा ऑब्वियस ही बात है 100 के बराबर हो जाएगा। देखो, इस 1 की गुणा एक्स प्लस 5 में, 5 की गुणा 10 में, एक्स प्लस 5 प्लस 50 बराबर 100 के आया, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स का मान यहाँ 45 आ जाएगा, और एक्स का 45 आने के मतलब है कि मेरे भाई जो पहले 10 इनिंग में है उनका एवरेज 45 था, अब एवरेज जो है वो 5 से बढ़ के एवरेज 50 हो जाएगा, यानी मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि भाई 10 इनिंग तक हमारा एवरेज 45 था, और 11वां इनिंग आने के बाद हमारा एवरेज क्या हो गया 50। आपसे पूछा 11वां इनिंग के बाद हमारा एवरेज क्या हो गया, वो 50 है, ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी। काफी सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन, बहुत अच्छा लग रहा है, इसी प्रकार से आप हमारे साथ लगातार बने रहें और बहुत ही खूबसूरत और आराम और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें, खूब मजा आएगा। अगले सवाल पे आते हैं, ये देखिएगा थोड़ा,
आज थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा, थोड़ा सा तीव्र चलूंगा ताकि ज्यादा प्रश्न कर सकूं। हाँ जी, द एवरेज कॉस्ट ऑफ फोर आइटम इज सॉरी इज द शॉपिंग लिस्ट इज 1250। इफ द वन मोर आइटम हुज कॉस्ट इज 2000 इज एडेड द लिस्ट सॉरी टू द लिस्ट देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज इन रूपी। खरीदारी की सूची में चार वस्तुओं का औसत 1250 है, कोई बात नहीं है। अगर एक वस्तु जिसकी सूची कीमत क्या है भाई साहब, सूची मूल्य जो है 2000 रुपए है, उसको ऐड कर लिया जाए तो अब उसका नया औसत क्या होगा। बहुत ही शानदार सवाल है। अब यार इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, मैं आपको कह रहा हूँ ना, दो तरीके से कर सकते हो। कैसे यार, ऐसा है, चार नंबर का एवरेज 1250 है, पांचवा नंबर आपको पता है, पांचवा नंबर की वैल्यू 2000 है, अब उसको ऐड करने पर एवरेज क्या आएगा। कुछ है नहीं यार, बहुत नॉमिनल है, बहुत ही ज्यादा वाला नॉमिनल है, कुछ नहीं करना, बस दिमाग लगाना। सोचो, पहले अगर आप इसको नॉर्मल से बनाएंगे तो 4 × 1250 कर देंगे। अच्छा, चार आइटम का एवरेज जो है 1250 है, चार वस्तुओं के मतलब चार वस्तुओं का जो औसत कीमत है वो 1250 है, यानी चारों वस्तुओं के कीमतों का योग क्या होगा, 4 × 1250, यानी आप कहेंगे 1248 और 48 और 5 के बीच, यानी भाई और 200, यानी कि 5 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ, अब इसमें क्या है भाई, पांचवा इनिंग में जो 2000, पांचवा इनिंग का हो या फिर पांचवा वस्तु का हो जो 2000 का, उसको ऐड कर दो, यानी ओवरऑल कीमत हमारा 7000 हो जाएगा। 7000 को 5 से भाग दे दीजिए, अगर इस 7000 को 5 से भाग दे दीजिएगा, एग्जैक्ट आपका आ जाएगा मेरे भाई, एक सेकेंड, 1400। तो सवाल का उत्तर ना तो 1400 से कम ना 1400, सवाल का उत्तर 1400 है, ठीक है भाई। 7000 को 14 से भाग पड़ेगा तो एग्जैक्ट सवाल का उत्तर आ जाएगा, एग्जैक्ट सवाल का उत्तर आपका 1400 आ जाएगा। खत्म, टाटा भाई भाई, इजी तो था। वैसे मैं इस सवाल में बहुत सारा तरीका है मेरे पास, दूसरा तरीका भी है, अभी मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि इस वाले तरीके से भी मैं सवाल का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़िया क्या होगा, ये वाला होगा। द रीज़न बिहाइंड दैट, मैं आपसे एक बात बता दूँ, द रीज़न बिहाइंड दैट मेरे दोस्तों, कि यार सीन सिचुएशन कुछ इस प्रकार का है कि ये सवाल का उत्तर जो 1400 आ रहा है, जो 1400 आ रहा है, वो इजी तरीके से कैलकुलेट करके आ रहा है, बहुत ही छोटा नंबर था इसलिए हम लोगों ने ज्यादा हाथ पैर नहीं मारा। अगर 15 नंबर और 20 नंबर रहता तो मैं कतई ऐसे नहीं बनाने वाला था, मैं यही तरीका अपनाने वाला था, ठीक है। वैसे इस तरीके पे मैं कल एक और सवाल लाऊंगा ताकि आप और अच्छे से सीख पाए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 24√3 है, ध्यान से, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है मेरे भाई, 24√3 है, ध्यान से देखिएगा, क्या है मेरे भाई, 24√3 है। तो आपको बताना है इसका परिमाप क्या होगा, क्या बताना है इसका परिमाप क्या होगा, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24√3, सॉरी अब लिखा हुआ है क्या, देन फाइंड आउट द पैरामीटर। लैंग्वेज दूसरा लिखा होगा लेकिन अंग्रेजी माध्यम में चीजें यही हैं। जल्दी करिए भाई, पर कुछ नहीं है यार इसमें। देखो, किसी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 × भुजा का स्क्वायर, यानी √3/4 × a का स्क्वायर, और √3/4 × a का स्क्वायर बराबर है 24√3 के। बड़ा इजी से आप कहेंगे कि √3 से √3 कट जाएगा और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर की वैल्यू 24 गुना हो जाएगी 4। अब 24 × 4, 4 × 16, 4 × 2 = 8, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी 96 आ जाएगी। कुछ गलती तो ना हुआ, एक बार देख लो, एक समबाहु त्रिभुज का जो पहले 24√3 है, √3/4 × भुजा स्क्वायर बराबर 24√3, √3 से √3 कट गया, ए स्क्वायर का मान आ गया भाई सब क्या, ए स्क्वायर का मान आ गया 96। ए का मान क्या आएगा, ए का मान आएगा √96। बच्चा बच्चा जानता है 16 × 96 होता है, इस यानी इसको हम लिख सकते हैं 4√6। पूछो कैसे, देखो √96 को लिख सकते हैं 16 × 6, और अगर 16√ के बाहर आ जाएगा तो 4 बन जाएगा और √6 छूट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 4√6। अगर a का वैल्यू है 4√6 तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा यानी क्या होगा मेरे भाई, परिमाप क्या होगा, परिमाप होती है 3 × भुजा,
यानी परिमाप होता है 3 × 4 रूट छः। सवाल का उत्तर हो जाएगा 4 × 3 = 12, सवाल का उत्तर 12 √6, ऑप्शन नंबर डी। सवाल का उत्तर क्या होगा? सवाल का उत्तर होगा 4 × 3 = 12, सवाल का उत्तर होगा 12 √6, ऑप्शन नंबर मेरे भाई ऑप्शन नंबर कौन, जो ऑप्शन नंबर आ रहा है वो पी आ रहा है। बड़ा आसान सवाल। अगला सवाल देख लीजिए, सारा इजी इजी क्वेश्चन है, एकदम आपके लायक है, वैसा सेट मैं बना के आज लाया हूं, समझे, जबरदस्त सेट आपके लिए बना के लाया हूं। देखो इसको क्विक, शक्ति मुझ में, इंग्लिश में इट्स पावर, आ गया है, ठीक है, जल्दी कर लियो, समय कम काम ज्यादा, मेहनत और भी ज्यादा। भाई ऐसा है कि मैं थोड़ा साइड इसलिए हूं क्योंकि मेरे लिखे हुए मेरे सिर से क्वेश्चन कट रहा है। बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या है, देखिए ऑब्वियसली बात है कि एक 90 मीटर लंबी ट्रेन जो है वो 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है। पुल की लंबाई क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात है, दुनिया की कोई भी ट्रेन अगर किसी पुल को पार करेगी तो चलना पड़ेगा अपना ओन लेंथ प्लस पुल का लेंथ। देखिए अगर कोई ट्रेन किसी स्कूल मान लिया जाए किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो चलना पड़ता है अपना लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ। किसी पुल को पार करेगी चलना पड़ेगा अपना प्लस पुल का लेंथ। किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी चलना पड़ेगा अपना ट्रेन का लेंथ प्लस सामने वाली ट्रेन का लेंथ। लेकिन अगर आदमी को पार करेगी तो अगर आप कहते हैं चलना पड़ेगा अपना लेंथ प्लस आदमी का लेंथ, ये गलत बात है। देखिए आदमी को पार करने के लिए ना इतना ही चलना पड़ेगा, इतू सा चलना पड़ेगा, और जबकि ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में होती है। अब देखिए जैसे कि मैं आपको बोलूँ 5,000 रुपये में अगर आप किसी दुकान पर जाए और 5,002 रुपये का बिल बने और आप उस दुकानदार को 5,000 रुपया दे तो उन्हें कुछ बोलेगा भैया 5,002 रुपया हुआ, 2 रुपया छोड़ दिए। लेकिन अगर किसी दुकान में जाएं और दुकान में जाके वहां पे अगर बिल बनाए, मान लो बिल बनाया 12 रुपया का, 12 रुपये में 2 रुपया छोड़ने बोले तो नहीं छोड़ेगा, बोले 12 रुपये में 2 रुपया, लेकिन हाँ 5,000 में 2 रुपया छोड़ देगा। वैल्यू नहीं है लेकिन 12 रुपये में 2 की वैल्यू है। तो इतना सा का एक बहुत बड़ी ट्रेन की नजर में वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, अगर हमारी ट्रेन 15 के स्पीड से चलेगी तो 15 सेकंड में पुल को पार करेगी। अगर मैं 15 के स्पीड से चलूंगा तो 15 सेकंड में पुल को पार करूंगा, यानी हमारा जो डिस्टेंस है वो 225 मीटर का है। तय किया गया डिस्टेंस क्या है हमारी ट्रेन द्वारा, तय किया गया डिस्टेंस 225। जब ये पुल को क्रॉस कर रहा है तब, कब, जब ये पुल को क्रॉस कर रहा है तब, जब ये पुल को तब हमें 225 मीटर चलना। और इसमें से आपको अच्छे से पता है कि 90 मीटर क्या है, इसमें से आप क्या पता है, इसमें से आपको अच्छे से पता है सब ट्रेन का लेंथ है। अगर 90 मीटर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये पुल का लेंथ आपका क्या है, वो तो आपका 225 है, उसमें से 90 कौन है, उसमें से 90 आपका ट्रेन है, तो शेष आपका जो बच गया 135 वो कौन होगा, जो शेष 135 बच गया यानी पुल की लंबाई हो जाएगी 135। बहुत बढ़िया। ये देखिएगा 1 से 200 के बीच में क्या लिखा हुआ है, 1 से 200 के बीच में कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित है लेकिन 7 से नहीं। बाप रे बाप, मजा आ गया मेरे को, 3 विभाजित है लेकिन 7 से नहीं। तो पहले हम देखेंगे कि ऐसा क्या सीन है कि 3 से विभाजित है लेकिन 7 से नहीं, ऐसे कैसे काउंट कर सकते हैं, जल्दी करना मेरे भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब आप चल गएगा यार, कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता यार। यहाँ पे आ जाऊंगा, काफी टाइम ले लिया लोगों ने, मेरे ख्याल से 20 सेकंड का टाइम तो देना चाहिए था ना।
करने के लिए देते हैं इस तरीके से। अगर हेलो हेलो। ऑब्वियसली बात है, आवाज़ जा रही होगी, बीच में ऑडियो ख़त्म हो गया होगा, लेकिन अब आवाज़ जा रही है, बहुत अच्छे से जा रही है आवाज़। करो, देखो भाई, आ जाओ। देखिए, सवाल कहना क्या चाहता है समझ। सबसे पहले तो आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अगर इस सवाल में था तो सुन लीजिए गौर से, 1 से लेके 200 तक के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कटती हैं लेकिन 7 से नहीं। तो 1 से लेके 200 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कटती हैं लेकिन 7 से नहीं। इसके लिए 200 को 3 से डिवाइड, यानी 1 से लेके 200 तक में टोटल मिला के 66 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से कटती हैं। कोई आपसे अगर ये पूछता है कि
कि एक से लेके 200 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो तीन से घटे लेकिन सात से नहीं। देखिए सात से क्या लिखा हुआ है, तीन से घटे लेकिन सात से नहीं कटे, तो हमें क्या है इन 66 संख्या जो है वो तीन से कटता है, और इनमें से ऐसा भी कोई संख्या होगा जो सात से भी कट रहा होगा, पर हमें वो सबको नहीं ढूंढना है, हम उन संख्याओं को ढूंढेंगे जो तीन से भी कट रहा है और सात से भी कट रहा है। देखिए तीन और सात का एलसीएम 21 होता है, तो भाई साहब ऐसी संख्याएं जो तीन से भी कटे सात से भी कटे इसका मतलब वो 21 से कटेगी, और वो संख्याएं जो 21 से डिविजिबल है, तो 21 से कटने वाली 9 संख्याएं, सवाल का उत्तर 66 - 9 57 होगा सवाल का उत्तर। भाई साहब एक मिश्र धातु में 400 ग्राम जस्ता है और उसमें रेशियो क्या है, जस्ता और तांबा का 5:3 है, आप कहोगे हाँ। अब उसको 5:4 में कन्वर्ट करना है, क्या करना है 5:4 में कन्वर्ट करना है। अब कैसे परिवर्तित करें, इसके लिए हमें कितना ग्राम तांबा मिलाना चाहिए। एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात है कि पहले हमारा जो टोटल आइटम था वो 400 ग्राम का था, पहले हमारा मिश्र धातु क्या था 400 ग्राम का था। अब इस 400 ग्राम के मिश्र धातु में हम ना एक्स ग्राम तांबा मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे हम एक्स ग्राम तांबा मिलाएंगे। अगर हम एक्स ग्राम तांबा मिलाएंगे इसका साफ मतलब है कि हमारा जो टोटल क्वांटिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 400 प्लस एक्स ग्राम हो जाएगा। भाई इनिशियली की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इनिशियली की बात करूंगा तो इनिशियली में क्या होगा, इनिशियली चार देखो इनिशियली में अगर मैं देखूं तो इनिशियली में 400 ग्राम वेट था। अगर मैं इसमें क्या करता हूं, अगर मैं इसमें एक्स ग्राम, ध्यान से इनिशियली क्या है, इनिशियली 400 ग्राम हमारा मिश्र धातु था, अगर मैंने इसमें क्या किया, अगर मैंने इसमें x ग्राम, ध्यान से अगर मैंने इसमें क्या किया, अगर मैंने इसमें x ग्राम तांबा मिला दिया तो टोटल वेट क्या हो जाएगा 400 प्लस x हो जाएगा, टोटल वेट क्या हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा 400 प्लस क्या 400 प्लस x। अब सुनिएगा इनिशियल, अब ऑब्वियस ही बात है अगर मैं तांबा मिलाऊंगा तो तांबा का वजन निश्चित बढ़ेगा, लेकिन ऑब्वियस ही बात है जो जस्ता का वजन है दोनों साइड वो सेम रहेगा। अल्टीमेट मैं कह सकता हूं कि जिंक और कॉपर के मिश्रण में रेशियो 5:3 है, 400 ग्राम है, इसमें से कितना हम लोग क्या मिलाएं भाई साहब कॉपर मिलाएं, ताकि भाई साहब ये रेशियो 5:4 का हो जाए। गोली मारिए, एक बात सोचिए, हम मिलाएंगे क्या, हम मिलाएंगे केवल कॉपर को, अगर मैं कॉपर को मिलाऊंगा तो दोनों तरफ कॉपर की मात्रा में डिफरेंस होगा, लेकिन दोनों तरफ जस्ता की मात्रा क्या होगी सेम। हम यहां से यहां कैसे पहुंचे कॉपर मिला के ना जी, तो दोनों जगह क्या होगा, दोनों जगह जस्ता सेम होगा, दोनों जगह जिंक सेम होगा। अच्छा पहले वाले में रेशियो क्या है जिंक और तांबा का 5:8, 5 पार्ट क्या है जिंक, 3 पार्ट क्या है तांबा, भाई साहब ऑब्वियस ही बात है कॉपर, यानी टोटल क्वांटिटी 8, यानी पहले हमारा जो जिंक है 5/8, अच्छा बाद में हमारा जिंक क्या हो गया, ध्यान से सुनिएगा, बाद में हमारा जिंक क्या हो गया, बाद में हमारा जिंक हो गया 5/9, जी हाँ पहले जिंक 5/8, बाद में हमारा जिंक 5/9, आपस में दोनों सेम, 5 5 रहा या कट गया, कट गया मेरे भाई। एक काम करते हैं ना, 8 से काटते हैं, ये 400 कितने बार में जाएगा, 8 5 40 50 बार में, ये वाला 9 इधर आ जाएगा, 9 5 45 यानी 450 हो जाएगा, 450 बराबर 400 प्लस एक्स, अगर 450 बराबर 400 प्लस एक्स है तो 450 में से 400 को घटाइए 50 हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू आपकी एग्जैक्ट क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट आपकी 50 हो जाएगी, जी हाँ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट आपकी 50 हो जाएगी, ना तो एक्स की वैल्यू 50 से ज्यादा ना एक्स की वैल्यू 50 से कम, एग्जैक्ट आपकी एक्स की वैल्यू डिटेल में आपकी 50 हो जाएगी, जी हाँ। यहाँ तक किसी को परेशानी दिक्कत हिचकिचाहट घबराहट नहीं होना चाहिए, ये मेरी गारंटी है। आगे बढ़ेंगे, वो देखिए एवरेज हमने एक क्वेश्चन में 4 मिनट का मौका दे रहे हैं, जो कि गलत कर रहे हैं, कम से कम 2 या 3 मिनट देना चाहिए। एक नाव बी से ए और ए से बी की दूरी 3 घंटे में तय करती है, जल स्थिर नाव में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ए से बी के बीच की दूरी क्या होगी, बकवास क्वेश्चन करिए। मैंने बहुत तेजी में सवाल को पढ़ दिया, अ बोट ट्रेवल अप स्ट्रीम बी टू ए ओके एंड सॉरी एंड फ्रॉम ए टू बी इन 3 आवर, बहुत बढ़िया, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन 9 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करेंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। 30 सेकंड का मौका, बहुत इनफ है, करो सोचिए करिए, आइए जल्दी से सवाल बनाइए। आशा है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे
और ध्यान से देख रहे होंगे। देखिएगा, एक आदमी जो है वो बी से ए और ए से बी के बीच की दूरी 3 घंटे में तय करता है। सबसे खास बात, अंग्रेजी में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम लिखा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो उसमें कुछ नहीं है, आदमी कोई है ना, वो पहले बी से ए गया, यानी कोई दूरी होगा, बी से ए जाएगा और फिर वापस क्या हुआ, ए से बी आया। अगर आप कभी भी किसी बोट से जाओगे, अगर बोट से ए से बी पे जाते हो और जाते वक्त आप धारा के विरुद्ध जाते हो, तो आते वक्त धारा आपको सपोर्ट करेगी। या फिर मान लीजिए कि जाते वक्त आप धारा के साथ जाते हो, तो आते वक्त धारा आपको विरोध करेगी। अंग्रेजी में आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे धारा, धारा जिसको ऑब्वियस ही बात है, हिंदी में धारा ही बोलते हैं, सभी लोग धारा जानते हो, नदी में जो बहती है उसको धारा कहते हैं। अब धारा इधर की ओर, देखो धारा जो है इधर की ओर बह रही है और नाव आगे की ओर जा रही है, तो बट ऑब्वियस ही बात है धारा क्या कर रही है, नाव को अपोज कर रही है, उल्टी दिशा में जा रही है, इसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। धारा जिधर बह रही है नाव भी उधर जा रही है, उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। मान लो अगर ये बी से ए गया है और ए से बी आया भी है, इसका मतलब ये एक्स किलोमीटर गया है तो एक्स किलोमीटर आया भी होगा, आप कहोगे हाँ। अच्छा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मैं एक्स किलोमीटर चला हूं और जाते वक्त मैं डाउन स्ट्रीम में गया हूं या अप स्ट्रीम में गया हूं, तो मैं ऑब्वियस ही बात है मेरी नाव की गति 9 की है, धारा की गति 3 की है। नाव 9 से आगे बढ़ेगी, धारा 3 से उसे पीछे ढकेलेगी, यानी जो नाव का नेट स्पीड होगा जाते समय वो 6 हो जाएगा, आप कहोगे हाँ सर। आते समय 9 से पी नाव नाव की जो गति रहेगी 9 रहेगी, धारा 3 हो जाएगा, दोनों जुड़ के 12 बन जाएगा, बराबर 3 के। और मेरे भाई 6 और 12 कैल्सियम 12 होगा, यहाँ पे काटेंगे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स बटा 12 बराबर हो जाएगा किसके, बराबर 3 के हो जाएगा। अल्टीमेट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 3x बटा 12 बराबर 3 के, 3x बटा 12 बराबर किसके, 3 के। 3 3 रहाया गया गया, कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 12 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 12 हो जाएगी तो लिटरली मामले में जो सवाल का आपका उत्तर होगा ना तो 12 से कम होगा ना 12 से ज्यादा होगा, एग्जैक्ट सवाल का उत्तर 12 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जाने का टाइम या आने का टाइम दोनों टाइम जोड़ दो 3 घंटे का बराबर है, बट ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ से एक्स का मान निकालो, अरे भाई साहब टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या स्पीड, डिस्टेंस कितना एक्स किलोमीटर का, आखिर स्पीड कितना, स्पीड है 6 का, बन गया सवाल, बोलो हाँ या ना, एग्जैक्टली। आगे देखिएगा भाई, लिखा हुआ है 11, 17, 21, 25 का लघुत्तम संवर्तक ज्ञात करें, बकवास क्वेश्चन है, कौन कर पाएगा ये क्वेश्चन, मुझे तो कभी बनाना ही चाहिए, मैं तो कतई किसी इस क्वेश्चन का जवाब देने से ना मुझे मन ही नहीं था, मेरे को मूड नहीं था भाई सवाल को उत्तर देने का। करो, ऐसी संख्या जो 11 से भी घटे, 21 से भी घटे और 25 से भी घटे, बाप रे बाप, लेकिन एक नन ऑफ दीज है जो बड़का काल बसाए हुए। चलो बात करते हैं, थोड़ा जल्दी करियो यार, देखो मुझे लग रहा है ना ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देना चाहिए। क्या यार तुम लघुत्तम संवर्तक मेरे साथ सीखोगे क्या, मेरा कतई मूड नहीं है यार कि मैं इस सवाल को आपसे करवाऊं, तनिक भी मूड नहीं है। मैं कह रहा हूं आप होमवर्क लो, इसको HW लो, पक्का HW लो, LCM लेना मैं सिखाऊंगा, नहीं ना, बस एक बार करो मजा आएगा। रवि पहले 1 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दौर से चलता है और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, उसकी औसत गति क्या होगी। जी हाँ, लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पे कि रवि रन एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट 4 आवर एंड 70 किलोमीटर पर आवर इन नेक्स्ट 2 आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। आपको एवरेज स्पीड काउंट करना, बहुत आसान। एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। करिए भाई, क्या होता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्विक। बताओ भाई, हाँ भाई बताओ,
चलो आ जाओ, देखो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए, रवि ने पहले 1 घंटे में 40 किलोमीटर चला है, तो ऑब्वियस सी बात है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, यानी रवि का पहले घंटे में, ध्यान से, पहले घंटे में रवि के द्वारा तय की गई दूरी 40 गुना 1 होगी। अगला 2 घंटा रवि 70 की स्पीड से चलता है, अगर अगला 2 घंटा रवि 70 की स्पीड से चलता है तो अगले 2 घंटे में रवि के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, 2 गुना 70 हो जाएगी। पहले 1 घंटे में रवि के द्वारा तय की गई दूरी 40 की गति से चलेगा, तो पहले 1 घंटे में अगर 40 की स्पीड से चलेगा तो जो उसका स्पीड हो जाएगा वो 1 गुना 40 यानी 40 किलोमीटर पर आवर का होगा। अगले 2 घंटे में ये 70 की स्पीड से चलेगा, स्पीड हो जाएगा 2 गुना 70 यानी 140 किलोमीटर का। जी हाँ, ओवरऑल ओवरऑल हम कितना डिस्टेंस चले, 180 किलोमीटर चले, कितने घंटे में, 3 घंटे में चले, तो बट ऑब्वियस बात है 180 किलोमीटर नेट 3 घंटे में चले हैं, तो हमारा एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 180/3 सवाल का उत्तर होगा 60 किलोमीटर पर आवर। सवाल का उत्तर क्या होगा, 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिएगा, 2 संख्या का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 2 और 432 है, 1 संख्या 16 है, दूसरी क्या होगी, 1 संख्या 16 है, दूसरी क्या होगी। जी हाँ, 1 संख्या 16 है, दूसरी क्या होगी, क्विक मेरे जान, जल्दी से करके दिखाओ सवाल का उत्तर। काफी समय आपने लगा दिया, देखिए क्या होता है, देखिए एक बात समझिएगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। अगर मैं एलसीएम को एचसीएफ से गुणा करूंगा तो बराबर किसके होगा, फर्स्ट नंबर बराबर सेकंड नंबर के। हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो 2 है, सेकेंड नंबर है जो वो 432 है, पहली संख्या आपकी 2 है, दूसरी संख्या 432 है। एक सेकेंड, अरे यार नहीं नहीं ऐसा नहीं है, माफ करना, जो हमारा SCF है वो SCF है जो हमारा 2 है, और जो LCM हमारा 432 है, आपको उसमें से एक संख्या को 16 का है, दूसरा आपको निकालना है। बड़ा आसान सवाल है, बनेगा तो इजी तरीके से, लेकिन थोड़ा दिमाग खपाएगा हमारा। देखिए क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो साफ साफ दिख रहा है यार कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर बराबर LCM गुणा SCF होता है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा होता है, कहाँ नहीं होता है भाई, एक संख्या 16 दूसरा निकालना है, 432 एलसीएम है, एचसीएफ आपका 2 है, 2 से काटेंगे 16 को 8 बार में, 8 से काटा 8 × 5 = 40 और 8 × 4 = 32 54 टाइम्स में चला जाएगा। सवाल का उत्तर वॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54 आ जाएगी, ना तो 54 से कम ना 54 से ज्यादा, एग्जैक्ट आपके सवाल का उत्तर 54 आने वाला है और यही आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है चलो, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, यदि उनको के अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्याओं का 27 हो जाएगा। अब लिखा हुआ साफ साफ है, संख्या ज्ञात कीजिए, इसी तरह इसको चलिए थोड़ा सा चाहूंगा, बहुत ही जबरदस्त चीज है जो कि आप बहुत ही जबरदस्त है और बहुत सुंदर है। सुनिएगा 2 पॉइंट, से पहले क्या होगा पता है, 3 बात ऑप्शन, तो डायरेक्ट ये सोचेंगे कि भाई सबसे बड़ी बात हमारे पास क्या निकल के आती है कि हमारे पास 2 संख्याओं के बीच अंकों का योग जो है 13 है, तो दोनों को 2 को जोड़ के 13 आना चाहिए, 8 × 5 = 13, 7 × 6 = 13, 8 × 5 = 13 और 6 × 7 = 13। भाई साहब ऑब्वियस सी बात है सब 13 13 13 आ रहा है,
जब इनको अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घट जाती है। जब बदलेंगे तो संख्या 27 से घट जाएगा, पहले बड़ा रहेगा, बदलने पे घट जाएगा। 58 को बदलिए तो 85 होगा, ऑब्वियसली बात है, पहले क्या था, पहले छोटा था, बड़ा, बदलें तो क्या हो गया, बढ़ गया, कभी सवाल का उत्तर हो ही नहीं सकता है। 67 को बदलिए 76 हो जाएगा, कभी सवाल का उत्तर हो ही नहीं सकता है। नेवर नेवर एवर, कभी पॉसिबिलिटी नहीं है। आगे देख लीजिए, इसको देखिएगा, जब इसको पलटेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों का जो ये जो हो जाएगा वो 67 हो जाएगा, और इसको पलटेंगे तो ये 58 हो जाएगा। मैं इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकालूं और इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकालूं, अगर 16 में से 7 जाएगा, देखो अगर मैं देखो ध्यान से देखना, ये 16 हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा, निश्चित यहाँ पे 9 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, निश्चित यहाँ पे क्या आएगा, निश्चित यहाँ पे 9 आएगा, और 9 ही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 9 हो जाएगा। लेकिन सवाल ने क्या बोला, सवाल ने बोला कि संख्या 27 से घट जाएगी, यानी बट ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 27 होना चाहिए। अब इनको पलटे तो पलटने के बाद डिफरेंस 9 का हो रहा है, कभी पॉसिबिलिटी नहीं है, डिफरेंस तो 27 को होना चाहिए, 27 ये क्रिएट कर रहा है। घटा के देखिए ना, 15 में से 8 गया 7, भाई साहब उसके बाद यहाँ पे 6 7, 7 में से 5 गया 2, 27 हो जाएगा सवाल का उत्तर। बोलो हाँ या ना, सवाल का उत्तर ना तो इससे कम ना इससे ज्यादा, एग्जैक्ट सवाल का उत्तर है सवाल नंबर 12। एक्स भागा 4 गुणे 8 और क्या है मेरे भाई, बराबर 72 के, बताइए सवाल का उत्तर। पहले ब्रैकेट का काम किया जाता है, फिर बाहर का काम किया जाता है, कोई फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है, आप जैसे भी कर लीजिए, सवाल का उत्तर वही आएगा जो आना है। जी हाँ, गलत थोड़ी बोल दिया भाई ने, सीधे सीधे बात है, सवाल का उत्तर क्या आएगा सोचो, एग्जैक्ट सवाल का उत्तर वही आएगा जो आना है। ठीक है, करिए सवाल नंबर 12, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। आ रहा होगा सवाल का उत्तर, ऐसा मैं बिल्कुल मानता हूं, और चीजों को ध्यान से देखिए। देख भाई, x भागा 4 को क्या लिखो, x बटा 4 गुणा क्या हो जाएगा 8, बराबर हो जाएगा 72 के। 8 से काटा 72 कितने बार में, 9 बार में। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 गुणा 9 यानी कि 36, सवाल का उत्तर 36 यानी ऑप्शन नंबर सी। मैं तो पहले भी कह रहा 36 आएगा, अभी भी कह रहा 36 आएगा, आएगा ही 36। 36 के अलावा कोई उपाय नहीं है, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, मैं इसका एक छोटा सा टेक्निक लास्ट क्लास में ही बता चुका हूं और आज भी बता रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि इसमें मैं आपको बस एक छोटा सा हिंट दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। फिर भी 30 सेकंड का मौका आपके लिए, ओनली फॉर यू गाइज, ओनली फॉर यू गाइज, बेबी आई कैन सी द सन राइज इन योर आईज, बेबी एवरी टाइम आई मेक, आई थिंक यू मेक मी स्माइल, ऐसा पता नहीं मुझे इतना ही याद है, बेबी एवरी टाइम Baby, I can see the sun rise in your eyes. Baby. उसके बाद वाला लाइन मैं भूल चुका हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि एक लड़का है, एक पुरुष है, एक नर है जो मादा को ये कह रहा है कि तुम्हारी आंखों में हमें सूर्य उगता हुआ सूर्य दिख रहा है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, उस नर ने कौन सा स्टेथोस्कोप लगा लिया है भैया, कौन सा माइक्रोस्कोप लगा लिया कि उगता हुआ सूर्य उसकी आंखों में देख लिया। हम तो आंखों के बीच में काला काला धब्बा नजर तो ठीक से आता नहीं हमें, और पता नहीं सनशाइन कैसे देख लिया। देख भाई सवाल को देखो, आ जाओ, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, मान लो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस एक्स है, एक्स क्या मान लो सीपी है। अब 10% की हानि होती है 37-35 में बेचने पे। अगर हमने क्या बेचा, 37-35 में बेचा, ध्यान से देखिएगा, 37-35 में बेचा तो 10% की हानि होगा, तो x का 90% क्या होगा, 37-35 होगा। मैं फिर से बोल दूं, x का 90% क्या होगा मेरे भाई, x का 90% होगा 37-35। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, मैं फिर से कह रहा हूँ x का 90% 37-35। आपको करना है क्या है, आपको वो विक्रय मूल्य निकालना है जब 10% का फायदा हो, यानी कि सीपी का 110% निकालना है, वो क्या होगा वी डोंट नो। सीपी का क्या निकालना है, 110% निकालना है, वो क्या होगा वी डोंट नो। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, सीपी का 90% 37-35 और सीपी का 110% क्या होगा पता नहीं, वॉट की वैल्यू निकाल लीजिए, ये सवाल का आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा।
वंस अगेन 30 सेकंड का मौका करिए। वंस अगेन, वंस अपॉन टाइम इन मुंबई। देखो भाई समझो, 20 निरीक्षणों का अंक गणितीय माध्य 15.5 बाद में पाया गया कि निरीक्षण में 24 के बजाय 42 पढ़ लिया गया था। बाप रे बाप। अब देखो सही माध्य ज्ञात करें, सही माध्य का मतलब एवरेज होता है। अब इसको मैं समझाऊंगा कैसे इस सवाल को बनाना, अगर बस बहुत ही डीपली आपको समझाऊंगा, अगर एक बार इसको आपने डीपली समझ जाना है ना तो आगे आने वाले ऐसे प्रश्न को धुआं 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 कर दोगे। समझो यार ऐसा है, पहले एवरेज 15.5 था, आपने कहा हाँ, आपने 24 को 42 लिख लिया, 24 को 42 लिख लिया यानी क्या कर लिया, 18 कम लिख लिया, सॉरी 18 ज्यादा लिख लिया ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 18 घटाना पड़ेगा। जी हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, 18 घटाना पड़ेगा और 18 योग में घटाना पड़ेगा, समेशन में 18 घटाना पड़ेगा, एवरेज में नहीं। अब आप सोचिए इस 18 को एवरेज में कैसे कन्वर्ट करें, कितनी संख्याओं का भाई साहब, 20 संख्याओं का एवरेज 15.5 है। बाद में ये पता चला कि हमने संख्या में 18 ज्यादा लिख लिया है, तो बताइए हम एवरेज में क्या घटाएं कि इस नया वाला करेक्ट एवरेज मिल जाए। एक बात बताओ, संख्या के योग में कितना घटाना है, संख्या के योग में 18 घटाना है, ठीक है। एवरेज, योग को एवरेज बनाने के लिए किससे भाग देते हैं, 20 से भाग देते हैं, समेशन को एवरेज बनाने के लिए नंबर से भाग देते हैं, तो भाई सब सम क्या है, 18 है, एवरेज बनाना है 20 से भाग, ये हो जाएगा 0.9। अब ये इसको 0.9 घटाइए, सवाल का उत्तर हो जाएगा 14.6, क्या हो जाएगा 14.6, सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा 14.6, सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बड़े आगे, अरे बोल भाई हाँ या ना, दो लैंग्वेज में जवाब आना चाहिए, या तो यस में जवाब आना चाहिए तो नो में जवाब आना चाहिए, इसके अलावा तीसरा जवाब कहीं नहीं मिलने वाला। 42 36, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, उस मूलधन का पता लगाइए जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपए हो जाएगी। बाप रे बाप, बकवास सवाल है भाई। अब इसमें करना क्या होता है भाई साहब, प्रिंस पी गुणा आर गुणा टी भागा 100 बराबर ऐसा ही। अब क्या लिखा है वो सुनो, उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज की 8% की दर से 9 महीने में 1000 रुपया हो जाएगी। देखिए हमने प्रिंसिपल को पी मान लिया, अब पी में पी गुणा आर गुणा टी भागा 100, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पहले हमारा ऐसा ही था लेकिन अब ये अमाउंट के बराबर हो जाएगा, यानी अब ये 1000 के बराबर हो जाएगा। अब अल्टीमेट मैं आपसे ये कहूं कि प्रिंसिपल के जगह हम क्या लिख ले मेरे भाई, प्रिंसिपल के जगह हम 1000 लिख लेते हैं, रेट सॉरी 1000 कह रहा हूं, प्रिंसिपल के जगह क्या लिख रहे हैं मेरे भाई, प्रिंसिपल के जगह पता नहीं है तो हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के जगह 8% लिख लेते हैं, समय हमारा 9 महीना और 9 महीना को साल में बदलने के लिए 9/12 लिखेंगे। तो करना यह है कि पी गुणा 8/9 और भागा 100 गुणे भाई साहब 12 और यहां पे भी गुणा बराबर 1000 के है। अब आपको कुछ नहीं करना, मेहनत करना और पी की वैल्यू निकालना है, एंड ओनली यू कैन डू इट। अगर आपने चाह लिया इस सवाल को उत्तर, धुआं धुआं करके निकाल लोगे मेरे भाई। बहुत ही जल्द मैं मैथ्स का एक स्पेशल बैच लाने वाला हूं जिसमें मैं 0 to 4 लेवल आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको बताऊं सीन सिचुएशन कुछ इस प्रकार का है, सीन सिचुएशन कुछ इस प्रकार का है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक सेकंड रुकना थोड़ा, तो भाई ऐसा है
यार आपको आराम से सवाल का उत्तर निकाल सकते हो। सवाल नंबर 16 देखिएगा। 5 लीटर के चीनी में 5 लीटर के मिश्रण में 6% चीनी है, 1 लीटर पानी भाप बना के उड़ा दिया गया, शेष मिश्रण में कितना चीनी का प्रतिशत होगा? बक बुड़ बक, कुछ हो नहीं सवाल में, जल्दी करो। एक्चुअली यार एक बच्चा मेरे को डीएम कर करके तंग कर रखा है कि सर अपना एड्रेस बताइए, हम आपसे मिलने आएंगे। अब क्या ही हम उसको बोले, पट 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 मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ कम से कम 150 मैसेज तो ऊपर गिर चुका है इसमें। मुझे लगा कि अब मुझे रिप्लाई करना चाहिए, इसलिए मैंने बीच में रिप्लाई किया। सोचो वो उसने मजबूर कर दिया मुझे रिप्लाई करने के लिए। भाई बताओ इस सवाल का उत्तर, देखो मैं समझाता हूँ भाई। 5 लीटर का मिश्रण है, इसमें 6% चीनी है, ठीक है। आपने 1% पानी उड़ा दिया, सॉरी 1 लीटर पानी उड़ा दिया, 1 लीटर पानी उड़ा दिया तो कितना बचेगा? 4। 1 लीटर आप उड़ा रहे हैं पानी ना सर, हम मान लिया आपने पानी उड़ाया, आप 1 लीटर पानी उड़ाइएगा तो बचेगा कितना घोल? 4 लीटर का घोल बचेगा। अब 4 लीटर का घोल जो बचेगा, बट ऑब्वियस सी बात है 4 लीटर का घोल बचेगा। अब इस 4 लीटर के घोल में ध्यान से देखिएगा, 4 लीटर के घोल में कितना परसेंट चीनी होगा पता नहीं, लेकिन मुझे यह पता है कि पहले वाला चीनी और बाद वाला चीनी बराबर होगा, यानी 5 का 6% बराबर 4 के x% के है। परसेंट परसेंट आपका कट गया। अब यार x की वैल्यू 6 × 5 = 30 और 30 भागा 4, और 30 भागा 4 का मतलब 7.5 होगा। सवाल को उत्तर 7.5% ऑप्शन नंबर बी बन गया सवाल। ये सवाल ना बड़ा कठिन है, लोगों को ना नानी याद दिला के रखता है। मैं कह रहा हूँ एक लाइन में आप बनाएंगे इसको, ऐसे प्रश्न आएंगे ना तो इसको दुर्र करके आप भगा देंगे, ठीक है। मतलब दूर करते दूर कर देंगे। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, परेशानी है, चाट घबराहट उल्टी और पुलटी है समस्या, तो जल्दी मुझे बताओ नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दिक्कत है तो बोल लो भाई, दिक्कत है कि दिक्कत नहीं है? सुनो बे ये बताओ, मन ने ये बताओ कि दिक्कत है कि दिक्कत नहीं है? मैं दिक्कत ना होगा, मैं लिख के देता हूँ दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन जो है वो आपका अगला होमवर्क होने वाला है। टोटल हम लोगों ने यहाँ पे 17 सवाल करे, और दैट इज द होमवर्क फॉर यू। ये आपका क्या होने वाला है? ये आपका होमवर्क होने वाला है। अब मैं डेली आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देते रहता हूँ, कुछ होमवर्क भी देता हूँ, और साथ ही साथ मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर आपने CISF की तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं और इन्हेंस करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें आज ही हमारा वर्दी बैच। जी हाँ मेरे दोस्तों, वर्दी बैच जिसके बारे में जिस पे देश करे आंख बंद करके भरोसा। तो आज ही ज्वाइन करें हमारा वर्दी बैच, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही शानदार और बड़ा ही निम्न सा ये बैच, आपका अपना हमारा वर्दी 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 एंड वर्दी बैच। जी हाँ, अरे वर्दी कह रहा हूँ, सॉरी, विजेता 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 और विजेता बैच, ठीक है, मेरा ध्यान किधर है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तो और ज्यादा चर्चा करेंगे। स्पेशल आपके लिए मैथ्स का भी बैच लेके मैं आ रहा हूँ, चर्चा करेंगे उस पर भी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और कल जो है फिर से 4 बजे आपकी क्लास होगी। तो भाई एक बात याद रख लेना कि थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि कुछ सिचुएशन बस मुझे ये आपको प्रोवाइड करना पड़ा है। ये एक रिकॉर्डिंग है जो मैंने अभी आपके क्लास के ठीक कुछ देर पहले की, क्योंकि मुझे इमरजेंसी में कहीं पे निकलना पड़ रहा था, तो मुझे नहीं लगा कि आपकी क्लास रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए तुरंत आपके लिए भाई की जान आपका हाजिर कर दिया। ठीक है, थैंक यू।